हेमोक्रोमिक से ज्यादा तो भूख और बेरोजगारी और गरीबी से लोग मर जाएगा। ऑक्सीजन के नाम पर कितनी लूट हुई, सुई के नाम पर कितनी लूट हुई, मास्क के नाम पर कितनी लूट हुई, सैनिटाइजर के नाम पर कितनी लूट हुई, डेक्सोना के नाम पर कितनी लूट हुई, वैक्सीनेशन के नाम पर कितनी लूट हुई। वोट की सियासत होगी तो सत्ता पक्ष विपक्ष को देखिएगा सर। 10 तारीख को रेल बंद है, खाद के सवाल को लेकर के एक एक जगह कालाबाजारी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। सर एक सवाल, मधुबनी जिला जो है शांति प्रिय इलाका माना जाता था, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा क्राइमर बन गया है। सर कहां से मधुबनी जिला, हम तो इतने मर्डर में आ चुके हैं, 10 साल हुए हैं मधुबनी, सब कुकर मधुबनी, धंधा मधुबनी, टोटल फैक्ट्री बंद हो गई मधुबनी, दूध की फैक्ट्री बंद हो गई मधुबनी, गन्ना की फैक्ट्री बंद हो गई मधुबनी, पेंटिंग्स की चीनी वही हुआ। सर जहाँ तक सवाल है सर, साहब सुनिए ना भाई, बारी बारी से बोलिए, क्या करें आप हमको बताइए। मधुबनी तो पूरे बिहार का है, जनप्रतिनिधि पर लगातार जो हत्या हो रही है उस सर आम आदमी मर रहे हैं, आपको इसकी चिंता नहीं है? छोटी छोटी मासूम बच्चियों के बलात्कार करके मार दिए जा रहे हैं, आपको इसकी चिंता नहीं हो रही? सिर्फ जन वोट की सियासत होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को देखिएगा सर, ये लेकिन इंसानियत और मानवता बचाने की बारी आएगी तो विपक्ष और सत्ता पक्ष को अब गायब नहीं है। सर शराबबंदी के ढिढोरा पीटने के बाद जहां समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री जी निकले हुए हैं, इसके बारे में आप समाज सुधार यात्रा 1961 में दहेज कानून आया था, पढ़ते लिखते तो आप लोग हैं ना, राजा राम मोहन राय से लेकर बड़े बड़े लोगों ने समाज सुधार की कल्पना, विनोबा भावे बहुत सारे लोग समाज सुधार के पहले हमको राजनीतिज्ञों को सुधारना होगा, जो जनप्रतिनिधि है उसके चरित्र को, उसके चिंतन को, उसके आचरण को सुधारना होगा, वो जातिवादी ना बने, वो हिंदू मुसलमान ना करे, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड ना करे, वो घूस ना ले, वो जनता के लिए सेवक बने, वो जनता को बांटे ना, जनता के भीतर नफरत पैदा ना करे, उसकी गरीबी के लिए लड़े। पहले नीतीश कुमार जी रोल मॉडल तो बनिए, पहले पॉलिटिशियन को आइडियल तो बनाइए। 16 सालों में समाज सुधार क्या किए? नीति आयोग कहता है कि 52% गरीबी दुनिया का सबसे ज्यादा बिहार, हेल्थ और एजुकेशन दुनिया का सबसे निचले प्रदान पे बिहार, मानव सूचांक पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा कम रुपया यदि किसी के जेब में है तो दुनिया में बिहार है जहां सबसे कम रुपया, सबसे ज्यादा बाढ़ दुनिया में बिहार। तो जब नीति आयोग की रिपोर्ट है कि बिहार कंप्लीट कोलैप्स कर रही है, 2.3% भी फैक्ट्री नहीं है, 1.3% पूंजी निवेश नहीं हुआ, तो समाज सुधार शराब 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 कोरेक्स एसमैक्स ड्रग्स व्हाइटनर गांजा पान पड़ा, शराब से ज्यादा हर घर में पहुंच गए, हर यूथ के हाथ में पहुंच गए, हर परिवार में पहुंच गए। अब भ्रूण हत्या और दहेज, समाज सुधार तब होगा ना जब मानव सुधार होगा, मानव सुधार तब होगा ना जब आर्थिक आजादी आएगी, जब रोजगार होगा, जब एजुकेशन होगा, जब हेल्थ फ्री होगा, जब पीस होगा, जब माफिया शराब माफिया जमीन माफिया बालू माफिया और ठेकेदार माफिया, इन माफियाओं से छुटकारा मिलेगी तभी ना समाज सुधार होगा। जब रात के 12 बजे मेरी बेटी अकेले पटना जाएगी तभी ना समाज सुधार होगा। जब रात दिन के शाम में हमारी बेटी हमारी माँ अकेले कमा सकती हो तभी ना समाज सुधार होगा। जब आप बिहार के मजदूरों के 93 लाख पलायन को रोकिएगा तभी ना समाज सुधार होगा। तो ये समाज सुधार शब्दों में अच्छा लगता है। बिहार के 14 करोड़ की परिस्थितियां अभी जरूरत है
हमें रोजगार, हमें अपराधियों से छुटकारी, बलात्कारियों से छुटकारी। एक सवाल है सर, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, वहीं पर एक एक बोतल शराब यदि पकड़ाता है तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग अभी जेल में क्या 6,32,000 लोग जेल में, 6,32,000 शराब पीने वाले का पता चल जाता है सरकार को, शराब बेचने वाले और लाने वाले का पता नहीं चलता। शराब पीने वाले जेल जाते हैं, शराब बेचने वाले और लाने वाले पैसे का बंटवारा करते हैं। माफिया जेल नहीं जाएंगे। लगभग 90-95% नेता और जनप्रतिनिधि शराब पीते हैं, पदाधिकारी 99% पीता है, थाना कलेक्टर 99% पीता है, एक भी जेल गया है? सिर्फ गरीब आदमी और मिडिल क्लास के लोग पीने वाले जेल में, बस गरीब गुरबा नेता लोग नहीं पीते हैं सबसे ज्यादा। तो अब कानून लेने आइए, जिसके ब्लड में खून में शराब का और ड्रग्स पाए जाएंगे, कानून ले आइए, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बहुत अच्छा, जनप्रतिनिधि एक्ट को चेंज कर दीजिए, वार्ड सदस्य लेके MP तक का चुनाव कोई नहीं लड़ेगा। और जो शराब बेचता है, ड्रग्स बेचता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, उसको आधार कार्ड से आप नाम काट दीजिए और सरकारी सुविधा से वंचित कर दीजिए, बिजली पानी से आप वंचित कर दीजिए, बैंक का कोई लोन उसको नहीं मिलना चाहिए, कोई लोन, ये तीन चीज वंचित कर दीजिए। और थानेदार चौकीदार नहीं, सरकार कहती है जहां पकड़ाएगा वहां चौकीदार थानेदार सस्पेंड हो, अब तो कोई नहीं बताएगा यहां डर हो सस्पेंड हो, पागल है, चौकीदार को आप बलि का बकरा बना दीजिएगा, जो पकड़ाएगा वही बलि का बकरा बना दीजिएगा। तो ये बकवास बातें हैं, तरीके को चेंज करना चाहिए। पैसे भी हम ज्यादा दे रहे हैं, मेरा पैसा दूसरे स्टेट भी जा रहा है, इकोनॉमी भी समाप्त हो गई, जेल भी जा रहे हैं, थाने को भी पैसा दे रहे हैं, वकील को भी पैसा दे रहे हैं और परिवार से भी टूट रहे, तो सब चोर तो हम ही खा, अमर भी अमीर है। ठीक है, हो गया आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों की रोजगार छीन ली, व्यापार छीन ली, मिडिल क्लास के व्यापार छीन ली, छोटे छोटे व्यापारी मर जाएगा, होटल वाले मर जाएंगे, ट्रांसपोर्टर मर जाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, 8 चक्का 10 चक्का वो बर्बाद हो जाएगा, वो 3 महीने 4 महीने यदि वो बैठा रहेगा तो उसकी किस्ती गिरेगी, फिर उसको गाड़ी बेचना पड़ेगा, वो मर जाएगा, एक भी मिडिल क्लास का व्यापारी जिंदा नहीं जा पाएगा। तब तो व्यापारी को सबसे ज्यादा मार रहे हैं, उसके बाद मजदूरों की पेट पर लात मार रहे हैं। तो अब अमोक्रोमिक से ज्यादा तो भूख और बेरोजगारी और गरीबी से लोग मर जाएगा, और आप पैसे भी नहीं देते, औपचारिकता निभाते हैं। एक एक सेकंड सर, जहां तक ने हमने गरीब लूट खसोट की जो चर्ची हुई है, तो क्या इस पर लगाम लगने का है संभावना? आज तक लगा, तो सरकार पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, पप्पू यादव को कोरोना हो तो समझिएगा कोरोना है। पहली बार 34 करोड़ रुपया हर मजदूरों के हाथ में हम लिए, अगले बार 7,500 से ऊपर लाश शमशान में हम जलाए, लगभग लाखों लोगों को रेमडेसिविर सुई पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाया, सरकार के पास नहीं थी, पप्पू यादव के पास, सरकार की ऑक्सीजन फेल कर गई, फिर हम कहां से पहुंचे, सारे पैसे कहां गए? WHO तय कौन करता है? WHO किस कंट्री के तहत है? उस कंट्री को चलाता कौन? ड्रग्स माफिया। और एक साल पहले हमने कह दिया इस बार बच्चे को बचाइए, और अभी हम आए और 15 से 18 साल के बच्चों को सुई देना, सुई की मार्केटिंग करना शुरू, मतलब हम भगवान है क्या, ज्योतिष है क्या? हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो पहले तय कर देता है इस बार किसको आएगा,
हमारे बेटा बेटी को तो खेल नहीं आया, वो तो नेशनल खेलने गया मेरी बेटी, हम तो मास्क नहीं लगाते हैं। हम सरकार के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेंगे जो अपनी गलती अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए जनता को परेशान करती हो, जनता को मरने पर मारने पर मजबूर करती हो। हम लॉकडाउन जैसी चीजों के सख्त विरोधी। सर एक सवाल और है, सर एक किसानों के बीच में खाद का हाहाकार मचा हुआ है, बहुतों से ऐसे किसान है जिसकी मजबूरी है, क्या इसके पूर्ति हो सकता है? 10 तारीख को रेल बंद है, खाद के सवाल को लेकर के एक एक जगह कालाबाजारी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। 32% गेहूं की खेती खाद के चलते नहीं कर पाएगी। मक्का जिसको अभी तक बुनाई कर लेना चाहिए, हमने आधा बुनाई नहीं कर पाई और तब मार्केट हो गया। हमको खाद चाहिए 61 लाख टन और हमको 18 लाख टन भी खाद नहीं आवंटित होता है, और वो भी बाजार से मार्केट कर देते हैं, नेपाल भेज देते हैं। सरकार काला बाजारियों के साथ है, सरकार चोरों की सपोर्ट में है। अच्छा सर, दोनों की छद्म युद्ध और फिर ड्रग्स माफिया, आर्म्स माफिया जो दुनिया के इकोनॉमी को निर्मित करता है, ये तय करता है सरकार किसकी बनेगी, किसकी गिरेगी। और हम किस परिस्थिति को निर्माण करेंगे जिससे हम दुनिया को लूट सके। क्या परसेंटेज मौत है, कैंसर से कितने मौत है? जब डेंगू आया था तो जिस वक्त जिस साल कितना भयावह और खौफनाक परिस्थितियां थी, चिकनगुनिया, हैजा, और आज डेंगू हमारी दिनचर्या बन गई है कि जीवन में एक बार साल में डेंगू आता है। कैंसर हमारे लिए एक बीमारी रह गई है कि नहीं? तो हम परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे ना, लड़ेंगे ना कि डरेंगे या डराएंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, भयावह परिस्थिति को पैदा करेंगे। रोल मॉडल समाज का कौन है? न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता, और ये चारों दल में है। बीमारी यदि पप्पू यादव को कोई कैंसर हो तो हम तो पड़ोसी को भी पता नहीं होने देते हैं कि कोई बीमारी है। किसी को एड्स होता है कोई बता पाता? तो फिर ये नेता लोग, ये बड़े बड़े लोग, कोई जब बाय द वे कोई जांच में आ भी गया तो उसको ट्वीट क्यों करते हैं, उसको पैनिक क्यों बनाते हैं, उसको आम आदमी के भीतर डर पैदा क्यों करते हैं? हमारे बीमारी आई, डॉक्टर को यदि कोरोना, मुद्दे भी हम उदाले भी हम, तो डॉक्टर को बीमारी हुई तो डॉक्टर उसको परहेज करेगा और चुप रहेगा ना कि हम ढिंढोरा पीटेंगे। तो समाज में आप अफवाह फैला रहे हैं। प्लेन में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो प्लेन में बैठे पैसेंजर को बताया जाता है कि सिर्फ पायलट और क्रू के बीच में बातें रहती हैं,
तो आप भयावह तो पैदा नहीं करेंगे, इससे तो एनार्की पैदा हो जाएगी। आप इंटरनेशनल फ्लाइट से पूरी भर भर के लोग आ रहे, ट्रेन में भर के लोग जा रहे, नेशनल फ्लाइट में लोग भर के एक दूसरे स्टेट को जा रहे, और आप क्या कर रहे हैं? आप स्कूल, चलिए स्कूल वाले को तो ऑनलाइन तय हो गया है, उसको तो वैसे बेनिफिट है, लेकिन कोचिंग, सिनेमा हॉल, रात में 8 बजे तक, 4 बजे तक कर्फ्यू, रात में कौन निकल रहा है भाई? कर्फ्यू लगा के आप पब्लिक में डर पैदा कर रहे हैं। सरकार को कब पता चले कि अमुक्रमिक आ गया? कल औरंगाबाद के सभा के बाद उत्तर प्रदेश में लाखों की रैली, उत्तराखंड में लाखों की रैली, वहां कोरोना नहीं। बंगाल में जब चुनाव था तो वहां कोरोना नहीं था।